आपको मैंने बता दिया जो FIR हुई है और उसमें 150 लोग गिरफ्तार हुए हैं। बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही गंभीरता से हम सभी कांडों को ले रहे हैं। 150 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और लगातार हम लोग इस पे इसके नेटवर्क की को ध्वस्त करने की दिशा में कार्रवाई कर रहे हैं। न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं अनिल। राजधानी पटना में बीते 1 अक्टूबर को सिपाही भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़े धांधली और पेपर लीक का एक मामला निकल कर सामने आया, जिसमें लगभग अगर बात करें तो राजधानी पटना में ही दर्जन भर लोगों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए पटना पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और अब इसी मामले पर EOU की लगातार कार्रवाई देखी जा रही है। दरअसल पूरे मामले की बात करें तो जिलों में सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारी सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले और अनियमितता मामले को लेकर की गई है। इस पूरे मामले की जाँच अब EOU की टीम कर रही है। हालांकि इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं बिहार पुलिस मुख्यालय ADG जितेंद्र सिंह गंगवार, आइए सीधे सुनवाते हैं आपको। इस मामले पर कितनी टीम काम कर रही है? मैं सारी ब्यौरा आपको नहीं दे पाऊंगा। वो आर्थिक अपराध इकाई में सभी मामले जो भी हैं आपके 150 तो अरेस्टिंग हो गई है, आपके यहाँ 74 FIR, टोटल FIR की जांच के लिए अलग अलग पदाधिकारी अलग अलग रैंक के हैं और इसमें दर्जनों पदाधिकारी लगा दिए गए हैं और टीम बना करके सभी मामलों की जांच की जा रही है और हम लोग लगातार इसको नेटवर्क को तोड़ने की दिशा में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं, अभी हम लोग इसमें कुछ उस स्थिति में नहीं है, बता पाने की स्थिति में, लेकिन 150 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और लगातार हम लोग इस पे इसके नेटवर्क की को ध्वस्त करने की दिशा में कार्रवाई कर रहे हैं। आगे घटनाओं में पुलिस की संलिप्तता जो है देखी जा रही है, बढ़ रही है, चाहे वो बेउर का मामला हो, बेउर थाने का या फिर कुचाय को थाना में जो अभी गिरफ्तारी हुई है थाना प्रभारी की और एक SI की और जो कमलेश कुमार का, तो ये मामले बढ़ रहे हैं। तो इसमें विभागीय तौर पर क्या कर रहे हैं कि रोक रख सके ज़्यादा से ज़्यादा? एक दो इक्का दुक्का मामलों को छोड़ दें तो बिहार पुलिस लगातार 24 घंटे विधि व्यवस्था संधारण अपराध नियंत्रण और यातायात नियंत्रण इस सभी की दिशा में 24 घंटे हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं। अगर एक दो इस तरह के कोई इक्का दुक्का मामले आते हैं तो बिहार पुलिस की टीम ही ऐसे मामलों ऐसे पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार भी कर रही है और बिहार पुलिस के जो हमारा व्यवस्था है उसके तहत उन लोगों को निलंबित कर हम लोग कार्रवाई। जाहिर सी बात है, जिस तरह से बात करें तो राजधानी पटना के कंकड़बाग स्थित द्वारिका कॉलेज में बीते 1 अक्टूबर को दूसरी पाली में परीक्षा में एक मोनू उर्फ मनु नाम का युवक गिरफ्तार हुआ था और उसके साथ साथ 5 लोगों की और गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें अगर बात करें तो कहीं ना कहीं मनु के मोबाइल से एक बहुत बड़ा ट्रेस मिला, जिसके बाद कमलेश नाम के QRT बिहार पुलिस के जवान को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है और उससे ही कहीं ना कहीं पूछताछ में बड़ी जानकारियाँ EOU की टीम और पटना पुलिस को मिली है, जिस पर अब पटना पुलिस की कार्रवाई तेज होती नजर आ रही है। हालांकि इस पूरे मामले की जांच EOU की टीम कर रही है और लगभग बात करें तो इसमें 74 से ज़्यादा मामले बिहार के जिलों सहित राजधानी पटना में दर्ज किए गए हैं। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।